हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के Day 91 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। चलो, सवाल में क्या बोल रखा है हमारा, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री बैग ए बी सी। तीन बैग हमारे पास ए बी और सी, जिनका कॉस्ट प्राइस रेशियो में दिए हुए कितना 2, 4, 3। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं ये 2x, ये 4x और ये कितना 3x। एंड देयर सेलिंग प्राइस आर इन द रेशियो, उनका सेलिंग प्राइस जो है किस रेशियो में है, 3y, 7y एंड 6y। ठीक है, इफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग बैग बी इज 25%। ठीक है, प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो कितने का अर्न हुआ है बैग बी पे, 25% का। तो पूछा क्या है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग बैग ए एंड सी। बैग ए और सी पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उनका अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम पहले एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट बी का बात करें तो बी का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 7y माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 4x, बटा में कितना हो जाएगा हमारा टोटल 4x, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं क्या। यहाँ से ये प्रॉफिट जब SP माइनस CP करते हैं तो प्रॉफिट बटा में टोटल, वही चीज यहाँ पे प्रॉफिट बटा में टोटल। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये 4 बार में। ठीक है, 7y इज इक्वल टू, यहाँ से x इधर चला जाएगा और 4x इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या देगा ये हमें 5x। ठीक है, अभी इतना ही रहने देना है, 7y इज इक्वल टू 5x। अब किसके रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है ये देखेंगे आगे। देखो आगे क्या बोल रहा है, a का हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो a का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा, SP माइनस में क्या CP और अपॉन में क्या CP। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट भी बोला है लॉस भी बोला, कैसे डिटरमाइन होगा, तो जो भी है उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या होगा 100%। अगर निगेटिव में आती है इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू निगेटिव में आती है तो वो क्या होगी, ऑब्वियस लॉस में होगी। अगर पॉजिटिव में आती है तो वो क्या होगी, प्रॉफिट में होगी। अब यहाँ से हमको देखो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ये वाई को चेंज करने में फायदा है हमारा, तो वाई बराबर यहाँ पे लिख दिए हम 5x अपॉन में कितना 7। ठीक है, अब यहाँ से जब चेंज करेंगे 3 गुना में क्या हो जाएगा 5x बटा में कितना 7, माइनस 2x बटा में क्या हो जाएगा 2x और गुना में कितना हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, अब इसी को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 5 3 हमारा 15 हो जाएगा, 7 × 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 15x माइनस में 14x और 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 7 × 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 14x। ठीक है, और इनटू हमारा तो 100 है ही। ठीक है, जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x अपॉन में 14x गुना में कितना 100 और यहाँ से क्या लगा देंगे परसेंटेज, x x खत्म हो गया, यहाँ से कितना निकल गया 100 अपॉन में कितना 14%। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल में क्या है, यहाँ पे c के लिए, c के लिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा 6y माइनस में कितना 3x अपॉन में कितना 3x और गुना में कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ पे फिर y को चेंज करना, y को चेंज करने के लिए क्या 7 × 6 × में कितना 5x अपॉन में कितना 7 माइनस में क्या हो जाएगा 3x और बटा में क्या हो जाएगा 3x गुना में कितना 100%। ठीक है, अब 6 × 5 = 30 और 7 × 3 = 21 जब घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x अपॉन में 7 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना 21x इंटू क्या हमारा 100। ठीक है, एक्स एक्स खत्म, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी क्या हो गया हमारा यहाँ से 300/7%। ठीक है, अब यहाँ से ए का परसेंटेज निकलेगा, कहीं पे भी निगेटिव में नहीं आया तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं, ये सारे क्या है प्रॉफिट में ही है। ठीक है, इसका अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बस डिफरेंस निकाल दो और आंसर आ जाएगा हमारा। डिफरेंस क्या है हमारा 300/7, ऑब्वियस बड़ा है जो, वो क्या होगा हमारा पहले होगा माइनस में कितना 100/14। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यही हमें देगा 500/14 और यहाँ से इसी को डिवाइड देना है 14 से, यहाँ 3 बार में कट जाएगा हमारा कितना 42। ठीक है, 42 जब कट जाएगा तो 80 बचेगा, यानी कि सॉरी 3 बार में हमारा कटेगा, तो 3 बार में जब कटेगा और उसके बाद फिर कितना बचेगा 80, यानी कि 14 × 5 = 70 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 7%, यानी कि डिफरेंस कितने का आया 35.7% का, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 35.7। होप आप लोगों को क्लियर होगा।